हमला आ गया है, ट्वाइलाइट भाई साहब लेकर आए हैं इस हमले को एक्सकोर्सिस्ट की तरफ से। जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कसम है तुम्हें, कसम उड़ान छल्ले की, दबा दो एक बार में, लाल बटन दिखना नहीं चाहिए, वो लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। आजकल बिल्कुल लापरवाही कर रहे हो तुम। हिलर्स आ गई है और मुझे पता है तुम मेरे कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट खेलने का वेट कर रहे हो, इस चीज का भी वेट कर रहे हो कि मोगेम्बो कौन सी टीम से खेलेगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, मोगेम्बो जरूर खेलेगा। फिलहाल ट्वाइलाइट भाई साहब यहां पे आईएनडी ओमिक्रोन साहब, ओमिक्रोन कैसे आ गया वापिस ये कोरोना के बाद? कोरोना तो जा चुका, ओमिक्रोन क्या कर रहा है यहां पे? चलो क्वीन आ गई है वापसी, ये अच्छी बात है। तीन पैक का छह बॉलर यहां पे बंदे के साथ हैं, इंचार्ज बेहतरीन चल रही है। दूसरी तरफ से और बंदा फनल बनाने में लगा हुआ है, मतलब आर्मी बीच में से आएगी सेंटर में से। एक वॉल ब्रेकर अभी भी बचा हुआ है, क्वीन राइट साइड में जाएगी। वार्डन इधर आ गया, समझ में नहीं आ रहा यार वार्डन इधर क्या कर रहा है। काला काला फालसा जाके टकरा गया गाइस एक हीलर को, और क्वीन की एबिलिटी गई और साथ में क्वीन भी गई। पागल इंसान, बिल्कुल गलत कर दिया गाइस यहां पे इस बंदे ने इस अटैक के साथ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। इसकी भरपाई पता नहीं अब कैसे हो पाएगी, समझ नहीं आ रहा टाउन हॉल कैसे आएगी, और यह टाउन हॉल निकालने में ही इस बंदे की जान चली जाएगी। ले भाई बॉलर भी उड़ गए, कुछ भी करके भाई टू स्टार कर दे इसको। चलो बिलिम प्ले के आया बैकअप के लिए, पर बिलिम टाउन हॉल तक पहुंचने चाहिए, कोशिश तो कर रही है ब्लिंप। टोर्नेडो भी हो सकता है वहां पे, भाई ने फ्रिज डाल दिए। ये टीज हैं तो निकाल देंगे, ओके ये टीज ही है, टीएच निकाल देंगे मुझे लग रहा है। एक और फ्रिज लगा दिया भाई, कोई यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, वो बिल्कुल सही डिसीजन है भाई। अगर दो स्टार ही ना हुआ तो फिर तो वैसे ही खाल उतर जाएगी। लो परसेंटेज ले लो पर टू स्टार करो, वन स्टार से तो तुम वैसे ही पीछे चले जाओगे, कम से कम परसेंटेज में पीछे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगी भाई ये बैटवेव, क्योंकि जो आर्टलरी है ना वो बड़ी फाटलरी है, तुरंत रेल बना देगी भाई सारे बैट्स की। तब भी बंदा थोड़ा बहुत तो डैमेज दे ही रहा है, 60% का दे दिया, मेरे को तो लग रहा था 50-55 पे रुक जाएगा ये। अरे वाह बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, कम से कम 50 तो ना कराए, तो लग रहा है 69 करके ही छोड़ेगा भाई ये जबरदस्ती। कह रहा 69 तो करके ही रहूंगा ऐसी बुरी हालत में भी 69 देख रहे हो, अरे 70 कर दिया यार, हार जाओगे ऐसे तो। मिडनाइट पावर वाले वापस से अपनी पावर लेके आए हैं, और इस बार लेके आए क्वीन चार्ज लावा लून, 3 रेज 4 फ्रीज 2 हेस्ट 1 पॉइजन। टाउन हॉल में से चार्ज करेगा क्या? किधर से चार्ज करेगा, आर्टिलरी में से या टाउन हॉल में से? टाउन हॉल में से, टाउन हॉल निकालेगा, सीसी निकालेगा, मल्टी निकालेगा, उसके बाद लावा लून करेगा। अभी तक मुझे लग रहा है ऐसे ही करेगा, प्लान तो यही होना चाहिए, इसके सिवा और कोई प्लान क्या ही करेगा, यही प्लान सबसे बढ़िया है। बट प्लान तो बनाना आसान है बट उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। कई बार हम भी सोचते हैं ऐसे ऐसे करूंगा वैसे वैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे बुलाऊंगा वहां पे आ जाएगा और फिर काम हो जाएगा, ऐसे होता है क्या कभी? टोर्नेडो मिल गया गाइस यहाँ पे, बहुत सारे बलून्स की बलि चढ़ गई है। हेड हंटर ने क्वीन को थोड़ी देर के लिए स्लो करा बट क्वीन ने सीधा हेड हंटर को ही टारगेट कर दिया, इसलिए पॉइजन यहां पे बच गई है। लावा भाई साहब आ गए हैं, क्वीन चली गई है गलत कंपार्टमेंट में, टाउन हॉल के पास गई नहीं है और टाउन हॉल पे जाएगी भी नहीं, अब मुश्किल है क्वीन का टाउन हॉल पे जाना। सीसी को यहां पे टेक डाउन कर दिया जाएगा, किंग आएगा मेरे को लग रहा है टाउन हॉल के लिए। जी हाँ प्लान तो असली किंग का था, मेरे को लगा क्वीन से लेगा, नहीं ये तो किंग से लेगा। क्वीन वैसे भी ले कैसे पाएगी टाउन हॉल को, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि दूसरे कंपार्टमेंट में चली गई है ना। और यहाँ पे फ्रीज डाली है ताकि हीलर्स बची रहें, क्वीन चार्ज में अगर हीलर्स मर गई तो फिर क्या ही बचेगा भाई। 3 फ्रीज 2 हेस्ट 1 रेज, लावा लून कर दिया जाएगा अब चालू। बिल्कुल लावा लून आते हुए क्वीन यहाँ पे अपोनेंट क्वीन के पास जाते हुए
और हीलर्स खो रही है क्वीन जल्दी 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 जल्दी, आराम आराम से नहीं, तेजी से खो रही है हीलर्स को। बट क्वीन अभी हेल्थ इतनी है क्वीन की कि जाते जाते भी क्वीन को टेक डाउन करेगी। रॉकिंग बॉस की क्वीन को टेक डाउन कर दिया जाएगा यहां पे, और मल्टी टारगेट इन्फर्नो को फ्रीज किया गया है। काफी स्पेल्स हैं यहां पे, बट मल्टी टारगेट इन्फर्नो बच गया है, कोने में जाके नहीं निकल गया, और डेथ डैमेज से भी बच गया। अब तो मुश्किल है भाई, एक बलून डाल देना चाहिए उस मल्टी को निकालने के लिए अभी के अभी, और डाल भी दिया है, एक नहीं दो डाले हैं। बट फिर भी ये एकदम जो सेंटर वाला मल्टी है ना, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाएगा उसको। ओ जैसे मैंने बोला कोई नहीं पहुंचा भाई, भाग के आ रहे हैं। आओ बेटा रेड माइंस खाओ बेटा, उधर ही गिर जाओ बेटा। तो यहां पे वापिस से डिफेंस मिल जाएगा द एक्सकोर्सिस्ट को, और वापिस से एक मौका है आगे निकलने का, पर क्या निकल पाएंगे ये चीज तो समय बताएंगे भाई साहब, क्योंकि उन चीजों का जवाब समय देता है जिस चीज का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे पाता। और फिलहाल यहां पे परसेंटेज के गेम में अभी भी आगे हैं मिडनाइट पावर वाले 82%। राम भक्त राहुल विन चार्ज लावलून लेके आए, राम जी के भक्त हैं और राहुल इनका नाम है, राशि एकदम सेम है राम और राहुल की, पर क्या काम भी उतनी सफाई से कर पाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु क्वीन के चरणों में आके बैठ गए हैं, जिनसे क्वीन लपेटे में उनको लपेट रही है। किंग अपनी तलवार लेके घूम रहा है, बावली पूंछ की तरह किंग की एबिलिटी दबा दी गई है। मल्टी टारगेट को निकाल लिया जाएगा यहां पे, एक वॉल ब्रेकर डाला जा रहा है, क्वीन का फॉलो कर रहा है, और एकदम सही दीवार तोड़ के दिए क्वीन को, जहां से क्वीन मल्टी टारगेट को टेक डाउन कर पाएगी। बट एक रेज शायद अभी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि क्वीन के ऊपर इतना डैमेज है ही नहीं, और हीलर्स को और अच्छी तरह से दूर की तरफ पुश कर रहा है यहां पे एयर स्वीपर, ताकि हीलर्स को डैमेज भी ना आए। ऐसा एयर स्वीपर मुझे अच्छा लगता है। सीसी आ गया, रेज आ गई है, पॉइजन डालना पड़ेगा। ओह आर्टिलरी लोक हो गई हीलर्स पे, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद समझो गाइस। सब आर्टिलरी अगर हीरोस क्या ही करेगा, एक दो तीन, अब बैठ के बजा बीन भाई, किस्मत ही खराब चल रही है क्या। अरे आर्ट, अब एबिलिटी दबा क्वीन की, वरना क्वीन भी नहीं बचेगी, बताओ अकल ही नहीं है। अब बोल रहा हूं एबिलिटी दबा दे, एबिलिटी दबा दे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मामला होपलेस हो गया गाइस एकदम, टाउन हॉल कम से कम चलो एक्टिवेट हो गया, रेज मार दिया, वार्डन एबिलिटी उतार दिया, और निकल के भाग गए हैं बलून्स किसी तरह से। अल्टी टारगेट बट यहां पे परेशान करने में लगा हुआ, और क्वीन उससे भी ज्यादा परेशान कर रही है। वापिस से परसेंटेज का ही गेम रह जाएगा अब दोबारा से। ये क्वीन किसी तरह से मर गई है, बट अगर ये क्वीन सर्वाइव कर जाती ना यहां पे राहुल की, हीलर्स यार लोग हो, हीलर्स पे लोग हो गई, क्या कर सकते हैं। आर्टलरी ने क्वीन को पकड़ती तो जान बच जाती, बट आर्टलरी चालू निकली भाई, दिमाग लगा गई आर्टलरी, इतनी बुद्धि लगा गई कि राहुल के पास बुद्धि लगाने के लिए जगह ही ना बची, क्योंकि जितनी भी बुद्धि लगानी थी ना वो सारी आर्टलरी ने लगा ली। बड़ा बुरा हुआ, 75, 76, 78, अरे दादा 3 स्टार मारो, कोई तो मारो, मार्केट में आग लगाओ भाई, ऐसे सबकी किस्मत खराब चल रही है क्या। एक साथ किस्मत मुझे लग रहा था मेरी खराब चल रही है, चलो मेरी तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है खैर, पर 81% तक तो तब भी पहुंच गया बंदा रगड़ तगड़ के। मिडनाइट पावर वाले वापिस से जोश में आ ले हैं, और भाई ये क्वीन चार लावल उनके पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे खिलाड़ी, इनके भाई इनका दिमाग कहीं नहीं चल रहा है। ये कह रहे हैं आज जो भी होएगा सिर्फ क्वीन चार लावलून ही होएगा, इसके सिवा अगर आज हम कुछ कर दें तो हमें मान जाना। क्वीन आ गई है, मार्केट में छा गई है, ओ भाई रॉकेट लून आ गए हैं, क्वीन की एबिलिटी चली गई है, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं होगा बंदे का, और क्वीन का सर्वाइव होना प्लान का हिस्सा है।
क्वीन मर गई तो वैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि क्वीन किसी तरह सर्वाइव कर रही है। एक रेज और डालनी पड़ेगी यहाँ पे क्वीन को बचाना है, तो अदरवाइज गई क्वीन, एक गई, लेट कर दी, लेट कर दी, लेट कर दी, और ये अपने लिए बढ़िया बात है। अब यहाँ से दिमाग लगाए जाओ कि टाउन हॉल कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बाबूजी ज़्यादा दिमाग लगा लिया, रेज को लेट कर दिया, रेज डालनी थी जल्दी। और ये देखो मिनियन कितना दिमागदार है, बात ही नहीं कर रहा बेबी ड्रैगन से, सीधा पेल रहा है हीलर्स को। ऐसा बेबी ड्रैगन कभी भी अपोनेंट को ना दे भगवान, सिर्फ हमें दे। किंग भी समझदार है, एयर डिफेंस को निकाल ही नहीं रहा, उससे पहले ही मरेगा। एयर डिफेंस के पास से निकल गया किंग, बट उसको जाके टेक डाउन नहीं कर रहा, ग्राउंड एक्सबो को निकाल रहा है। चल भाई उस्ताद, अब आर्टिलरी की तरफ से हमला शुरू कर, तभी तेरा दो स्टार हो पाएगा ये अटैक। बंदा भी सोच में लगा हुआ है, ठीक है भाई, आर्टिलरी की तरफ से नहीं कर रहा ये। ब्लिंप निकालेगा ये वार्डन एबिलिटी में, 50% वैल्यू के लिए निकल चुका है, ये 50% वैल्यू भी तो लेनी है, इसलिए अटैक को इस कोने से शुरू करा इस बंदे ने। पर चलो देखते हैं, रेज मार दिए, बलून्स ने टाउन हॉल की उतार दी है, क्या ये 50% कर पाएगा, मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को, एक ही रेज बची है सिर्फ अब। चलो हो सकता है, सात बलून्स भी तो हैं, दो बलून आ गए हैं, डिफेंस को टेक डाउन करेंगे सीधा, और बलून आ गए हैं, और 50% हो ही जाएगा भाई अब, ये कोई दिक्कत नहीं है। टाउन हॉल 12 देख रहे हो आप, सबसे मुश्किल टाउन हॉल में से है। अगर किसी को लगता हो कि टाउन हॉल 13, 14, 15 ज़्यादा खतरनाक है, ना मुन्ना ना, टाउन हॉल 15 बहुत खतरनाक है। जैप हटा दो एक बार, और जैप ही बहन है यहाँ पे, कि जैप के साथ बंदे क्या करते हैं, ड्रैगन अटैक कर देते हैं एयर डिफेंस को तोड़ के, है ना। जैप बंद कर दो एक बार, और उसके बाद देखो टाउन हॉल 12 को निकाल के देखो आप, इतने तगड़े तगड़े बेस बना के बैठे हुए हैं बंदे, परेशान हो जाओगे। ऐसे बेस बना लेना आप भी, कॉपी कर लेना इनको, किसी भी टूर्नामेंट में यूज़ कर पाओगे आप, तगड़े बेसिस हैं एकदम, जांचे परखे हुए बेसिस हैं। मात्र 63-64 पे जाकर अटक जाएगा ये अटैक, ज़्यादा से ज़्यादा 65 हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा, खत्म, बस 1-2 का 4। भाई ये बंदा मेरे को लग रहा है ट्रिपल मारेगा, डीमन, ओ भाई साहब ये तो कुछ खतरनाक सा काम कर रहा है। ये तो कुछ डेंजर सा काम कर रहा है। आर्टिलरी भी निकाल दी, सीसी भी निकाल दी, और एक तरफ से इतने सारे सुपर आर्चर उतार दी, पर क्वीन के ऊपर लोक हो गए हैं, फ्रीज डालनी पड़ेगी, क्वीन की एबिलिटी नहीं गवा सकते भाई, डाल फ्रीज। अरे हीलर डाल दी, चलो अभी भी सही है, और उसके बाद भी क्वीन एबिलिटी खतरे में है, डिफेंसेस की तरफ बढ़ रही है क्वीन। क्वीन का काम है टीएच को टेक डाउन करना, बट मुझे लग रहा है क्वीन अपने आप को टेक डाउन कराना चाह रही है, गलत जगह पे जाके वापिस आ जा क्वीन, वापिस आ जा, आ गई। उस तरफ किंग जा रहा है मल्टी टारगेट के लिए, अच्छी बात है, क्वीन को अंदर जाना चाहिए, क्वीन अंदर चली गई है, समझदारी से चल रहा है एकदम अटैक। वार्डन एबिलिटी दबा दी गई है, क्योंकि मल्टी टारगेट से बचना जरूरी है भाई। क्वीन बच गई है बिना एबिलिटी के, एबिलिटी अभी तक गई भी नहीं है क्वीन की, थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है यहाँ पे, बट ये मल्टी टारगेट से बचना जरूरी है, और मल्टी टारगेट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हिट कर रहे हैं सुपर आर्चर, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं अभी तक ठीक ठाक चल रही है, अच्छा खासा टाइम भी बचा है। सुपर आर्चर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, क्वीन भी यहाँ पे दीवार तोड़ने में मसरूफ है, जो भी है, मेरे को वर्ड एक्चुअली पता नहीं है पूरा क्या होता है, मसरूफ होता है या मसरूक होता है, जौन सा भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आप वही वाला वर्ड है, और वही काम यहाँ पे चालू है। पर आर्चर्स यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्वीन को टेक डाउन कर दिया जाएगा। देखो मैंने कहा था ना आपसे, मेरे को लग रहा था कि भाई ये बंदा पेलेगा, पता नहीं क्यों इंटरनली वो आ गया था, मेरे को फीलिंग आ गई थी कि भाई ये मनुष्यत उतारेगा। नाम है इसका डीमन, डीमन नाम के बंदे अच्छे नहीं होते भाई, डीमन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है,
अपने नाम के अनुसार काम करा, और वो भी ओवर पावरफुल तरीके से इस बेस का नक्शा का बक्सा बना दिया भाई इसने तो। 3-7, 3-6 और आयुष भाई साहब आए हैं फाइनली यहाँ पे मिड नाइट पावर की तरफ से, और ये एक डिफरेंट अटैक लाए हैं मास होग राइडर्स के साथ। क्वीन चार्ज मास होग राइडर टाउनल में से चार्ज करेंगे या पीछे से, आई थिंक टाउनल में से या पीछे से, समझ नहीं आ रहा, ना टाउनल में से ना पीछे से, साइड में से आ गए हैं तो खोपचे में से निकल के एक नई जगह ढूंढ ली है इन्होंने चार्ज करने के लिए। देखते हैं इनके चार्जर में कितना दम है, चार्जर में दम तो लग रहा है मुझे इनके। बेहतरीन दम है, हीलर्स यहां पे अपना काम कर रही हैं। हेड हंटर का सीसी क्वीन के नाम कर रही हैं, और यहां पे किंग की देहांत होना लगभग तय है। टेस्ला फार्म मिल गया यहां पे, और ये वाला कंपार्टमेंट मिल नहीं पाया किंग को, जो कंपार्टमेंट लेने के लिए किंग निकला था, बट चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया ही है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्वीन का सफर यहां से जारी रहेगा, क्वीन अब किंग से भिड़ेगी, क्वीन निकाल देगी किंग को आसानी से। अब उसके बाद क्वीन का सफर हीलर्स को धक्का दे देके उस एयर स्वीपर उसकी रेंज में पहुंचा रहा है, इसकी रेंज में। यही तो मैं कह रहा था। ओहो गलत हो गया तो मामला, बुड्ढे की रेंज में आ गई हीलर्स। भागो, जान बचानी है तो, उससे भी बुरा हो गया। आर्टलरी ने पकड़ लिया, होग राइडर्स आ गए हैं टाउन हॉल में से, वार्डन एबिलिटी दे दी गई है। चलो दो हील भी हैं बीबी, ये अटैक पावरफुल सा लग रहा है, पहली हील आ गई है। कुछ और होग राइडर्स आ गए हैं, हेड एंटर को बचा के रखा गया पता नहीं क्यों, डाल देना चाहिए एक और हेड एंटर जो बचा रखा है। चलो कम से कम क्वीन को टेक डाउन कर दिया गया, और भाई ये अटैक पावरफुल लग रहा है बीबी, इस अटैक में लग रहा है जान है। ये मल्टी टेक डाउन हुआ, और अगर बच गए होग राइडर्स तो बचेगा नहीं फिर ये बेस भाई साहब, अब बचना मुश्किल है। 3 स्टार का सिलसिला लग रहा है कि चालू हो गया है भाई। अब जैसे ही थोड़ी सी राहत मिली थी द एक्सकोर्सिस्ट को, उस राहत को छीन लिया है इस आयुष नाम के खिलाड़ी ने। वापिस से टेंशन का माहौल फैल जाएगा एक्सकोर्सिस्ट नाम के क्लैन के अंदर, क्योंकि परसेंटेज की जो लीड है वो है मिडनाइट पावर के पास। आधी रात वाली जो ये पावर है ना, इससे बचना मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। बदला लेने के लिए आए हैं द एक्सकोर्सिस्ट वाले, 3 स्टार की सख्त जरूरत है। और भाई ये क्या कर दिया इसने, अच्छा मल्टी टारगेट निकाल रहा है और सिंगल टारगेट भी निकाल लिया, इनविजिबल और बैट्स डाल के क्वीन चार्ज पैक स्मैश कर रहा है लौंडा। क्वीन चार्ज नहीं तो वार्डन चार्ज कर रहा है भाई। चलो दो इन्फर्नो निकाल दिया है, ये अच्छी बात है, पर बुड्ढा गलत फंस गया है यहाँ पे। टेस्ला फार्म मिल गया क्योंकि बुड्ढे की एबिलिटी का खतरा है यहाँ पे, मंडरा रहा है, खतरा बड़ी बुरी तरीके से मंडरा रहा है। फ्रीज कर, रेज कर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बुड्ढे की एबिलिटी गई तो अटैक ही गया। किसी तरह से सेव करने की कोशिश की जा रही है बुड्ढे की एबिलिटी को, और नहीं सेव हो पाएगी भाई, ये गई एबिलिटी लग रहा है। क्वीन को उतार दिया गया तेजी से, और अब यहाँ पे फाइनली किसी तरह बुड्ढे की एबिलिटी बच जाएगी। एबिलिटी चली जाती तो जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाती भाई। अब क्वीन की एबिलिटी खतरे में लग रही है मेरे को, क्योंकि क्वीन के ऊपर लॉक हो गई है आर्टलरी, पता, और दबा दबा एबिलिटी दबा, बेवकूफ इंसान, ले मत दबा। अरे कहाँ अकल गई यार तुम्हारी, कहाँ भैंस चरने जा रही है, गाय चरने जा रही है भाई, क्या घास चरने जा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या तरीका है ये, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिलहाल अब तो यहां पे 2 स्टार का ही सहारा रह जाएगा। स्टार की जरूरत थी यहां पे, बड़ा मुश्किल होगा यहां पे 3रा स्टार निकाल पाना,
क्वीन के बिना तो बहुत ही मुश्किल है, क्वीन तो अटैक की जान होती है। और बंदा अभी भी किसी तरह से लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वालों की आपको पता कभी भी हार नहीं होती, उनकी सिर्फ बेइज्जती होती है, और वो जिंदगी भर होती रहेगी जब तक आप कामयाब नहीं होगे। यही जीवन का सार है, इसलिए कोशिश करते रहो, बेइज्जती की तरफ ध्यान ही मत दो। जैसे कामयाब हो जाओगे दुनिया वाले कहेंगे अरे हमें बचपन से ही पता था इस लोंडे में टैलेंट था। ठीक है, तो अपने आप को फुल बेशरम बनाए रखो और कोशिशें अपनी जारी रखो। फिलहाल यहाँ पे कोशिश तो कामयाब हो नहीं पाई है सजल की, क्योंकि क्वीन की एबिलिटी के ऊपर दिमाग ही नहीं लगा रहे हो यार, काहे कर रहे हो भैया ऐसा। इनकी एबिलिटी बहुत जरूरी होती है यार, पहले ही दबा देता तो जान बच जाती क्वीन की किसी तरह, हो सकता है फिर कुछ हो सकता था, बट अब तो यहां पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या भैया, चिड़िया चुग गई खेत। 78% बस 9 हो गया। फाइनल अटैक आ रहा है यहां पे मिडनाइट पावर की तरफ से। मिडनाइट पावर की पावर को चेक करते हैं। क्वीन 4 लावा लून कर रहा है भी बंदा, बट एक तरफ को किंग उतार दिया इसने, और किंग का मुझे लग रहा है वहां से बचना मुश्किल हो सकता है। टेस्ला फार्म है क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा रीज भी डाल दिया बंदे ने किसी तरह आर्टिलरी निकालने के लिए। उसके बाद भी मुझे लग रहा है किंग का बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस एरिया को बेट किया गया किंग के लिए ही, और आर्टिलरी निकली नहीं तो मार्केट वैसे ही ध्वस्त रहेगी। और क्वीन की एबिलिटी भी जा चुकी है, बेहतरीन तरीके से बेट किया हुआ है सजल ने इस बेस को। अब तो जान बचनी इस अटैक की मुश्किल है। अब बंदे को समझ ओ गई, क्वीन भी गई, ये मरी क्वीन, 1-2 का 4 हो गया क्वीन के साथ। अब क्या करोगे बंदू सोच में पड़ गए हैं कि टाउन हॉल निकालूं क्या निकालूं। ले उस पर और क्लिक कर दिया उसने, अरे भाई बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा अगला, क्या गुंडा बनेगा रे तू। गलती से स्टोन स्लैमर पे ही क्लिक कर दिया और स्टोन स्लैमर उतरते के साथ ही खुल गया। चलो कम से कम आर्टिलरी तो मिल गई, इतना बुरा भी नहीं हुआ है। अब टाउन हॉल निकालने की सोचो, टावर लून डाल दिया गया बंदे ने, टाउन हॉल अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो मामला गंभीर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोई तरीका नहीं है क्योंकि टाउन हॉल को निकालने का, बट टाउन हॉल एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्स बो एक्टिवेट कराएगी टाउन हॉल को। अरे नहीं करा रही। बट 3 बलून्स जाए चले जाएंगे टाउन हॉल की तरफ, हो जाएगा काम वार्डन एबिलिटी में, आ जाएंगे 2 स्टार। बस इन 2 स्टार्स की तो जरूरत थी, फाइनली किसी तरह रगड़ तगड़ के IND ओमिक्रॉन ने दिला दिया है 2रा स्टार। पीछे से आपको रेल की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरा घर अभी तक बनानी है तो मेरे घर में खिड़की दरवाजे है नहीं, तो खिड़की दरवाजे नहीं है इसलिए बाहर का साउंड आ जाता है, तो उसके लिए यार मेरे को माफ़ कर देना भैया, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी, हमारे घर में कोई खिड़की दरवाजे वाला लगाने वाला ही नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, बुरे वक्त में साथ देना चाहिए, है ना, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। 61% फाइनल अटैक आ रहा है, और बराबरी के लिए 3 स्टार की जरूरत है द एक्सकोर्सिस्ट को, और ये जिम्मा लेने के लिए आए हैं रॉकिंग बॉस। आठ हीलर्स के साथ अटैक चालू है भाई। एक तरफ से क्वीन चार्ज करेगा और एक तरफ से करेगा ये दूसरे वाला चार्ज। सुपर आर्चर्स के साथ 4 हीलर्स डाल दिए यहां पे क्वीन के ऊपर। सुपर आर्चर काहे नहीं उतार रहे हो भैया, उतार दो यार,
वैसे टाइम फेल का खतरा रहता है, 1 मिनट तो आपकी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। गलत जगह उतार दिए भाई, अब कोई चांस नहीं है 3 स्टार का, भूल जाओ। अब यहां से उतार के कैसे भाई, कैसे करोगे रे? ऊपर आर्चर भाई तोड़ताड़ के घुस गए हैं टाउन हॉल को अंदर, और क्वीन की एबिलिटी भी बचा ली यार इसने। मेरे को तो लग रहा था क्वीन की एबिलिटी तो छोड़ो, क्वीन ही नहीं बचेगी। बहुत रिस्की अटैक कर रहा है भाई, एक तरफ से सुपर आर्चर चल रहे हैं इसके और एक तरफ से क्वीन चल रही है। हाँ भाई क्या कर रही ला भाई तू, डबल हीरो वॉक चल रही है, वॉर्डन अलग से चल रहा है, क्वीन अलग से चल रहा है, वॉर्डन की एबिलिटी भी अभी बची हुई है, क्वीन के पास भी एबिलिटी है, टाइम थोड़ा कम है बट अटैक में तो दम है। मल्टी टारगेट निकाल दे, मल्टी टारगेट निकाल दे, काम हो जाएगा। रेज मार दे वॉर्डन, कमोन यही रेज मार दे, बढ़िया मार दी मार दी मार दी, मल्टी निकाल मल्टी निकाल मल्टी निकाल, चलो मल्टी आ गया। क्वीन भी आ रही है उधर से, क्या ये 3 स्टार हो पाएगा? लग तो रहा हो जाएगा, बट हीलर देखो, हीलर पगलेट, हीलर्स हीलर्स फंसवाने का काम कर रही है, एक एक ही आर्चर को हील करने में लगी हुई है हीलर्स। सारे आर्चर मर चुके हैं, बस एक दो आर्चर बचे हैं। क्वीन के पास एबिलिटी नहीं है, टाइम यहां पे रनिंग अवे हो रहा है, और यार ये अटैक यहां पे शानदार तरीके से चलते हुए टाइम फेल हो जाएगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा यहाँ पे मामला। बट अगर 3 स्टार भी होता तो भी परसेंटेज में पीछे रह जाते द एक्सकोर्सिस्ट वाले, नहीं है परसेंटेज ज्यादा है। अरे विक्ट्री हो गई, मेरे को लगा हार रहे, अरे भाई कमाल हो गया, धोती का फाड़ के रुमाल हो गया, मेरा तो कह रहा था हार गए। अरे भाई रे, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा, मजा आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी और मेरा भी भाई। बाय।